हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ असम रिक्रूटमेंट के ऊपर। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स बोल दूंगा आप लोगों को, पोस्ट किया गया है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इज वन ऑफ द पायनियर्स इन द फील्ड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, हैविंग वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंटिंग एमबीएस एक्सपेंशन प्लान इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स दिया हुआ है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट है, बीई और बीटेक चाहिए केमिकल में और मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल और सिविल में, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज। एज लिमिट है 30 इयर्स। नंबर ऑफ पोस्ट केमिकल इंजीनियर के लिए है 21 पोस्ट, मैकेनिकल के लिए है 10 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल का है 8 पोस्ट और सिविल का है 1 पोस्ट। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट है, सेफ्टी के लिए है, बीएससी विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और बीई और बीटेक। एज लिमिट है 30 इयर्स। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 2। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर का, फुल टाइम एमबीए चाहिए और एमएसडब्ल्यू विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और एमपीएम और एमए इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट। यहाँ पे एज लिमिट भी 30 इयर्स है और टोटल पोस्ट है 5। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग का है, यहाँ पे भी एमबीए चाहिए मार्केटिंग पे, एज लिमिट 30 इयर्स है, टोटल पोस्ट है 6। अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप लोग पढ़ लेना। मैं अगर पढ़ने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और भी नीचे जाऊँ तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड एंड कम्प्लीटेड should be sent by ordinary or speed post or courier service, only mentioning clear about the post applied for at the top of the envelope with detailed biodata in prescribed format available in website with 4 pp size colored photograph along with self-attested copies of certificates. Application fee, आप लोग देख सकते हो, application is required to pay an application fee not refundable by demand draft in favor of Assam Petrochemicals Limited payable at Namrup is shown below along with their application. General के लिए 300 rupees, SCST और BC और MOBC के लिए 150. For candidates having BPL card के लिए BPL category लोगों के लिए nil है। इसी address पे आपको भेजना है। The application should be addressed to General Manager Assam Petrochemical Limited, नामरूप डिब्रूगढ़, 786623। नीचे और भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। ट्रेनिंग पीरियड आप लोगों का 1 साल का रहेगा। स्टाइपेंड वगैरह का देख सकते हो आप, स्टाइपेंड है 25,000। नो ट्रेवलिंग एक्सपेंस कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एबिलिटी ऑफ प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फ्रॉम इन वेबसाइट, 17 अप्रैल 2018 से आपका वेबसाइट में ऑन होगा, अवेलेबल होगा, स्टार्ट होगा अप्लाई, और 7 मई 2018 तक इसका लास्ट डेट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है जाके आप लोग बाकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, और अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है एप्लीकेशन का, आप लोग देख लेना। तो चलिए फिर, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर लेना, और मैं ऐसे आप लोगों के लिए गवर्नमेंट अपडेट के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फिर, आज की इस वीडियो का यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं और एक नए अपडेट के साथ।